A semicircular thin sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to make an open conical cup. Find the capacity of the cup. हमें गिवन है एक सेमी सर्कुलर थिन शीट है मेटल की जिसकी शेप सेमी सर्कल है जिसका हमें डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर. डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो जो इसका रेडियस होगा दैट विल बी 14 सेंटीमीटर. तो अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं इसको एक कोन में कन्वर्ट करूंगी तो इसका जो ये सेंटर है इस सेंटर से मैं इन दोनों जो रेडियाई हैं इन दोनों रेडियाई को क्या करूंगी, मैं ओवरलैप कर दूंगी. तो जब ये दोनों आपके रेडियाई ओवरलैप होंगे तो आपकी जो रेडियस है दैट विल बिकम द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. और जो इसका ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है दिस विल बिकम द बेस ऑफ द कोन. ठीक है, तो ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा. जो ये बेस का सर्कमफ्रेंस है दिस सर्कमफ्रेंस ये बन जाएगा. जब आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास एक सेमी सर्कल बनता है. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. सो अ सेमी सर्कुलर थिन शीट ऑफ मेटल, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन. Thin sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to make an open conical cup. Bent to make an open conical cup. Find the capacity of the cup. कॉनिकल कप जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो हमने करनी है, बनानी है. अब देखो यहाँ पे जो है सेमी सर्कल जो है 14 सेंटीमीटर आपको मैंने बता दिया कि उसकी स्लांट हाइट बन जाएगी. डायमीटर क्योंकि मुझे गिवन था तो रेडियस उसका 14 सेंटीमीटर बन गया. It means now we can find out the circumference of this semicircle. Whatever will be the circumference of the semicircle, that will be the area of the that will be the circumference of this base. वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? We will be able to find out the radius. Radius आ गया हमारे पास, so we can find out the height also. क्योंकि हमारे पास slant height हमें 14 given है. तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है. उसके बाद जो है आपने मेंशन करना है व्हेनेवर दिस सेमी सर्कुलर शीट विल बी यूज्ड टू मेक अ कॉनिकल कप देन क्या होगा, इसका जो डायमीटर है दैट विल बिकम द स्लांट हाइट ऑफ द कप एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल विल बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. सो तो ये हम चीज लिखेंगे रेडियस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर शीट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. रेडियस 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आप मेंशन कर दो, पहले सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल
दैट इज इक्वल टू, अब देखो सर्कमफ्रेंस सर्कल की 2 पाई आर होती है, सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर का हाफ यानी कि पाई इंटू आर, सो पाई इज 22/7, रेडियस हमें 14 गिवन है तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी हमारे पास 44 सेंटीमीटर। अब इट मीन्स ये जो 44 सेंटीमीटर मेरे पास बना ये क्या बन गया, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कप, सो दिस इज बेंट इंटू अ कॉनिकल कप। Bent into conical cup. So slant height. So radius of radius will become slant height of cone. And the circumference of semicircle will become circumference of base of cone, circumference of base of cone. So ये मेरे पास circumference आ गई equal to 44 सेंटीमीटर हो जाएगी यानी कि circumference, और जो उसकी स्लांट हाइट है दैट विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो दिस इंप्लाइज दैट स्लांट हाइट ऑफ कोन एल इज 14 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इज 44 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर 1, मैंने रेडियस ले लिया कोन का क्योंकि आर मैं ऊपर ले चुकी हूँ, तो दिस इज इक्वल टू 44, तो आर 1 इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो यहाँ से मेरे पास रेडियस ऑफ कोन आ गया 7 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास रेडियस है, मेरे पास स्लांट हाइट है, आई कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन, हाइट आ जाएगी तो वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द कप। इतना नोट डाउन कर लो फिर मैं इरेज कर रही हूँ, यहां तक कोई डाउट है तो आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। If anyone is having any doubts, so you can raise your, you can just unmute yourself. I have given you the option to unmute. Okay, fine then. So in the next part, we are to find out the height. So ab radius hai mere paas, slant height hai, so I can find out the height. Now, R1 is 7 centimeter, slant height is 14 centimeter. So let height of cone be H. So H is equal to L square minus R square under the root. Put the values and get your answer. सिंप्लीफाई करो इसको, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 49, so this 147 can be written as
49 into 3, 49 is perfect square of 7. So height of cone away mere paas 7 root 3 centimeter. And now I have to find out the capacity of the cup. Capacity of cup is conical hai cup, to cone ka formula laga doge. वन बाई थ्री पाई रेडियस आर वन से डिनोट किया है मैंने और हाइट इज एच. सो दिस इज वन बाई थ्री इंटू 22 बाई 7 इंटू आर वन था हमारा 7 इंटू हाइट इज 7 रूट 3. सो जो कैंसिलेशन है वो आप कैंसिलेशन कर देना सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर. रूट थ्री को 1.73 पुट कर लेना. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल हैव दिस. Since it is the volume, so this is centimeter cube, 622.38 centimeter cube. You can leave the space, you can do your calculations later on. So radius aa gaya tha hamare paas, slant height aa gayi thi, height calculate ki using the Pythagoras theorem. Height aa gayi to capacity of cup ka formula 1 by 3 cone hai kyunki, to cone ka formula laga diya humne 1 by 3 pi r square. So this is your question number one tha aaj ki date ke liye. Now moving on to the next question. Next question mein we are having simple hai ye. How many square meter of canvas is required for a conical tent whose height is 3.5 meter and radius of base is 12 meter. Height given hai, radius given hai. We are to find out ki kitna jo hai wo hame canvas चाहिए, कितने मीटर स्क्वायर कैनवस चाहिए फॉर अ कॉनिकल टेंट. एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए जिसकी हाइट और रेडियस मुझे गिवन है. सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. सिंपली हाइट मुझे गिवन है इसकी 3.5 मीटर और बेस जो है वो गिवन है 12 मीटर. तो ये टेंट मुझे बनाना है, कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट 3.5 मीटर हो, जिसका रेडियस 12 मीटर हो. सो हाउ मच मीटर स्क्वायर कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड. तो हाउ मच मीटर स्क्वायर कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ दिस कॉनिकल टेंट. तो आपने सिंपली क्या करना है, आर है आपके पास, एच है आपके पास, यू आर टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले आप एल निकालोगे यूजिंग आर एच एच आर एंड एच पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एंड देन यू विल फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. इफ एनी डाउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, अदरवाइज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर हैविंग इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो. एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं बीच में आपके, तो यू कैन सी द स्टेटमेंट फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो दिस इज एन एग्जाम्पलर क्वेश्चन. सिंपल है, सिंपली आपने सबसे पहले स्लांट हाइट निकालनी है, देन यू आर टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यू विल यूज द फॉर्मूला पाई आर एल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है हमें. अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल विद साइड्स 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. राइट ट्राइंगल हमें गिवन है विद साइड्स 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है दैट विल फॉर्म द हाइपो. फाइंड इट, फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड. अब इसको देखो जो है राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हमें गिवन है 6 8 एंड 10 एंड इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर. अब जब ये 8 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व करोगे, यानी कि ये वाली साइड को हमने बेस लिया और इस तरीके से हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं. जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी वन मिनट.
जब नाउ आई विल बी ऑडिबल बेटा, माइक लूज था थोड़ा सा, आई हैव मेड दैट करेक्ट। सो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। मैंने जो आपका, दिस इज योर हाइपो, मैंने जो ट्राइंगल बनाया है दैट इज इन दिस वे। तो ये 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के अबाउट हम जब इसको रोटेट करेंगे तो ये वन रोटेशन कंप्लीट हो गई। अब वन रोटेशन जब इसकी कंप्लीट हुई तो क्या हुआ, ये जो चीज है जब हमने इसको रोटेट किया, या अगर मैं इस तरीके से भी आपको इसको दिखाऊं, व्हेन आई एम गोइंग टू रोटेट इट अबाउट दिस साइड, इस साइड के अबाउट मैं अगर इसको रोटेट करूं, यानी कि मैं यहाँ साइड चेंज कर देती हूँ, तो यू वॉन्ट हैव एनी कंफ्यूजन। इसको मैंने 6 कर दिया, इसको मैंने 8 कर दिया, तो अब ये मेरा राइट ट्राइंगल बन रहा है। व्हेन आई विल रिवॉल्व दिस, रोटेट कर रही हूँ जब मैं इसको, तो यू कैन सी कि यहाँ से ये रोटेशन हो रही है इसकी। तो जब हम इसको बहुत फास्ट रोटेट करते हैं तो दिस विल फॉर्म अ कोन। कोन कैसे फॉर्म होगा, जिसकी जो आपकी हाइट होगी दैट विल बी दिस 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, बिकॉज आई एम रिवॉल्विंग इट लाइक दिस। तो जब मैं इसको इस तरीके से रिवॉल्व कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि जो ये मेरा बन रहा है बेस, दिस विल फॉर्म अ सर्कल, बेस सर्कल बन रहा है, यानी कि कॉनिकल बेस बन गया। और जो ये ट्राइंगल है, इसका जो हाइपो है ट्राइंगल का, ये स्लांट हाइट फॉर्म करता जाएगा। तो जब हम इससे जो फिगर फॉर्म करेंगे, जो हमारी 3D फिगर आएगी, दैट विल बी द कॉनिकल इन शेप, दैट विल बी कॉनिकल इन शेप। तो इस तरीके से एक कोन हमारे पास बन जाएगा, जिसमें ये बेस बनेगा एंड दिस विल बी द हाइट। यानी कि जो हमारा अभी इस तरीके से कोन बना, उसमें जो रेडियस होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर एंड जो हाइट होगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस साइड के अबाउट आप इसको रोटेट करते हो, ट्राइंगल हमेशा राइट आपको गिवन होगी, जिस साइड के अबाउट आप इसको रोटेट करोगे दैट साइड विल बिकम द हाइट, और जो दूसरी साइड होगी परपेंडिकुलर लेग्स वाली, तो दैट अदर साइड विल फॉर्म द रेडियस। अब इसी में अगर मुझे 6, 8, 10 डायमेंशंस के साथ, मान लो कि मैं इसको 6 सेंटीमीटर के अबाउट रोटेट करती, तो मेरा ये ट्राइंगल बन रहा था, दिस वॉज 6 सेंटीमीटर, दिस वॉज 8 सेंटीमीटर। अब जब इसके अबाउट हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये हमारा कोन इस तरीके से बनेगा। तो 6 सेंटीमीटर विल बी हाइट इन दैट केस एंड 8 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस इन दैट केस। बट इस वाले ट्राइंगल में जो हमें गिवन है स्टेटमेंट, उसमें इसको 8 सेंटीमीटर साइड के अबाउट जो है रोटेट करते हैं, तो जब आप इसके अलॉन्ग इसको रोटेट करोगे तो रेडियस विल बी द अदर परपेंडिकुलर साइड, यानी कि 6 सेंटीमीटर। हाइपो सेम रहेगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन एज योर स्लांट हाइट। सिर्फ हाइट और रेडियस आपको चेक करना है कि हाइट क्या बन रही है और रेडियस क्या बन रहा है। तो सिंपल एक चीज लर्न कर लो आप इसमें, कि जिस साइड के अबाउट आप उसको रोटेट कर रहे हो वो हाइट ले लो, तो लॉन्गेस्ट साइड विल बी द स्लांट हाइट और जो बच गई साइड दैट विल बी द रेडियस। तो अब आपके पास एल है, एच है, आर है, सॉलिड, कई बार उसका नेम पूछ लेते हैं कि नेम द सॉलिड सो फॉर्म, तो सॉलिड सो फॉर्म इज कॉनिकल या कोन एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फिर आपको उसने जो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा, लाइक इन हियर हमें कहा गया फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, बुक में भी है ये, तो यू कैन डू द प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इन टू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक क्लोथ है जिसका मुझे एरिया गिवन है 165 मीटर स्क्वायर, इसको जो है एक कॉनिकल टेंट की शेप दी गई जिसका रेडियस क्या रखा गया, 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। अब देखो पहले गिवन क्या है, मुझे एक क्लोथ गिवन है, उससे जो है क्लोथ से टेंट बनाया गया। तो जब भी टेंट बनता है तो जो टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द गिवन रिक्वायर्ड क्लोथ जो भी है। अब मुझे क्लोथ का एरिया गिवन है
तो क्लोथ का जो एरिया है यानी कि दैट विल बिकम द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब वो क्या कह रहा है कि उसको कोन जो हमने बनाया उसका जो बेस रेडियस हमने रखा दैट इज 5 मीटर, ये बेस रेडियस हमने रख दिया 5 मीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब इसमें जो है कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर एक स्टूडेंट जो है ग्राउंड पे 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मीटर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये भी हमें एरिया गिवन है। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए हमें रेडियस गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइज। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ अ क्लोथ, वैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन बन रहा है, आई एम राइटिंग डाउन सेकंड, अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ₹165 मीटर स्क्वायर इज शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट, इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट अब जो हमें करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट ऑक्यूपाइज, इफ ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट ऑक्यूपाइज 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर, ऑक्यूपाइज 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड एंड इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द टेंट। एनी वन ऑफ यू इफ यू विश टू आंसर हाउ टू डू, एरिया निकालना है हमें कितना वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सबसे पहले हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट। तो स्टूडेंट्स सिट इन द टेंट दैट विल बी इक्वल टू द एरिया जितना टोटल है और एक स्टूडेंट कितना जो है एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो हमें गिवन है। फाइव बाय सेवन जो है वो एक बच्चा ले रहा है एरिया, जो एरिया है वो हमें गिवन है 165 मीटर स्क्वायर और हमें कैलकुलेट करना है कि कितने जो हैं उसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, टोटल मैं आपको फॉर्मूला इसका बता देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन सिट इन द टेंट हमें क्योंकि ऑन एन एवरेज 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर गिवन है तो दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। क्योंकि देखो जो बच्चे बैठेंगे वो ग्राउंड पे बैठेंगे, तो बच्चे जो ग्राउंड पे बैठ रहे हैं और ऑन द ग्राउंड हमें उसने क्या कहा 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर एक बच्चा एरिया ले रहा है, तो इट मींस ये जो ग्राउंड का एरिया है वो फुल ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इतने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। तो इसमें जो आपको मैंने ये कहा था कि ये कैनवस का एरिया है, इट्स नॉट द एरिया ऑफ द कैनवस क्योंकि यहाँ पे हमें ऑन द ग्राउंड गिवन है, तो इस ऑन द ग्राउंड से हमें क्या पता लग रहा है कि ग्राउंड का जो एरिया है
वो एक बच्चा 5 बाय 7 मीटर स्क्वेयर कवर कर रहा है। अब ग्राउंड जो कवर हो रहा है टेंट में, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकालने हैं दैट कैन सिट इन द टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन अपॉन एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। अब इसको बताओ क्या करना है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बेस। यू आर हैविंग द रेडियस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला आपका, और ये मुझे गिवन है 5 बाय 7। सो दिस विल बी 22 बाय 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 बाय 5। सो ये 7 5 कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विथ 110। दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 110 स्टूडेंट्स कैन ऑक्यूपाई दिस। यस रमनी, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। वॉल्यूम ऑफ द टेंट के लिए मुझे पता है कि जो मुझे फॉर्मूला दैट इज 1/3 πr² h, r मुझे गिवन है, h आई हैव टू फाइंड आउट। ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज कर रही हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड पे एरिया ऑक्यूपाई कर रहे थे। ग्राउंड पे वन स्टूडेंट 5 बाय 7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस जो कॉन का बेस है दैट विल बी इक्वल टू द एरिया जो स्टूडेंट्स टोटल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। वैल्यूज हमारे पास थी, सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए दैट इज 110। अब वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, and for volume we have to find out the height first of all. अब height निकालने के लिए एक और condition हमें इसमें given थी, what we are given that the area of the cloth जिससे वो tent बन रहा है that is 165 cm². तो ये area of cloth हो गया that is equal to the area of the curved surface area of the cone. So it means कि मुझे अब curved surface area of conical tent जो given है That is equal to the area of cloth, और ये मुझे कितना गिवन है, that is equal to 165. So pi r l curved surface area होता है हमारे पास, तो pi r l की वैल्यू आ गई मेरे पास 165. अब r मेरे पास 5 है, तो l is equal to 165 upon pi r. Again put the values. Now simplify and get your value of L. So this is 21 by 2 centimeters. अब मेरे पास L आ गया, I have to find out H now. Values put कर दो. H square is equal to L square minus R square. H is root हो जाएगा यहाँ पे, L 441/4 minus 25. Simplify कर लेना इसको. Points में आ जाएगा ये आपका. Root 341 कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. लॉन्ग डिविजन यू नो हाउ टू सॉल्व, तो लॉन्ग डिविजन से आप इसको सॉल्व करो. बी क्विक, रूट 341/2
341 जो है, 324 आपका 18 का है, तो दिस विल बी 18 पॉइंट। नाइन पॉइंट टू थ्री सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, 1/3, पाई इज 22/7, आर इज 5, एच हमने 9.23 कैलकुलेट किया। इसको सिंप्लीफाई करके योर ओवरऑल आंसर जो है दैट विल बी 241.7। कैलकुलेशंस एक बार कर लेना एंड 241.7 विल बी योर आंसर। दिस इज 5076.5 डिवाइडेड बाय 21। So this is equal to 241.7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, 241.7 सेंटीमीटर क्यूब। So this was your question. If any doubt is there in this, you can unmute yourself and ask your doubts. I have given you the option. Now since time is almost about over, so we will do the next topic jo hai hamara, that is a sphere, so we will do that tomorrow. So if any of the doubts is there, next Tuesday you will be having your test of this chapter surface area and volume, so do prepare for that. Test will be subjective only and you are to send me your PDF back. Timings will be as usual 4 o'clock. If anyone will be having any problem of the timings, then you can intimate me and I will adjust the time for you. So thank you. Have a nice day.